अस्सलाम वालेकुम सब ब्यूटीफुल फ्रेंड को खूबसूरत खूबसूरत वाला अस्सलाम वालेकुम हो गया। उम्मीद है सब खैरियत के अंदर से हो गए। और सबसे पहले सब ब्यूटीफुल जितने भी सब्सक्राइबर है, उसके बाद जितने भी फॉलोअर है, उसके बाद जितने भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, उनको पहला रोज़ा मुबारक। ये यहाँ पर हम पोचंकी में गए थे। पोचंकी के अंदर हमने फिर 16 वर्सेस स्क्वाड का चैलेंज ट्राई किया हुआ थी कि हम 16 वर्सेस स्क्वाड के अंदर चिकन निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है, तीसरा ट्राई है। तो इसके अंदर पोचंकी के अंदर मैं घुस गया और यहाँ पर मुझको ये छोटा वाला कमी में बुक मिल गई। ये बंदा पता नहीं कंप्यूटर थी या ओरिजिनल थी, लेकिन इसका हमने कर दी सफाया। उसके बाद हम यहाँ पर घूम फिर रहे थे कि कोई सेक्सी वाला बंदूक मिल जाए, लेकिन सेक्सी वाला बंदूक नहीं मिलता है हमको। यहाँ पर मेरे पास ये चाइना वाला पिस्तौल है, तो यहाँ पर मुझको मिल जाता है ये डीपी के साथ। उधर पड़ा होता है नंगा पर्वत वाला बंदूक, नंगा पर्वत उठाता हूँ। तो एक उठाने के बाद दिल तो खुश हो गई, लेकिन डीपी के ऊपर मेरा इतना एतबार नहीं होता है क्योंकि इसका फायर रेट बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर मुझको यहाँ पर थोड़ा सा हेरिंग सुनाई दिया, तो ये बंदा इधर छुप जाता है। मैं इसके पीछे इस वाला घर में चलता हूँ, मुझको पता चल जाता है कि ये इधर से घूम रहा है, फिर मुझको ये इधर नज़र आ जाता है। इसको भी मैं पिछवाड़े में गोली लगाकर टपका देता हूँ। टपकाने के बाद ये भी मर गई। और ये किसको बताना नहीं कि मैंने ये दो कंप्यूटर मारा हुआ था। फिर ये पता नहीं किधर से मुझ पर पैरिंग आता है, तो दूर का पैरिंग होता है। यहाँ पर मुझको एक किल मिल जाता है। यहाँ पर मैं चलता हूँ, इस वाला बंदे को उड़ा देता हूँ। ये मेरा दूसरा कत्ल हो गई। इसका नाम थी डिवोलिटो लिंटो। तो ये मैं कहता हूँ थोड़ा सा मुझको दूर दूर जाना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से लड़ने का अपना मज़ा होता है। मैं फिर इन घरों की तरफ जाता हूँ। इन घरों में घुसने के बाद जो है यहाँ पर कुछ भी सामान सेक्सी सामान नहीं पड़ा होते, जिससे मेरा दिल का तसल्ली हो जाए। सिर्फ DP28 है। यहाँ मुझको फिर यहाँ पर एक और कंप्यूटर मिल जाती है, और इस तरह हमारा कंप्यूटर का हो जाता है हैट्रिक। हैट्रिक करने के बाद मैं इस घर में सामान सामान ढूंढने के चक्कर में होता हूँ, लेकिन कुछ भी सामान नहीं मिलता है। तो फिर यहाँ सामने से मुझको पैरिंग का आवाज़ सुनाई देता है। तो पता तो है मैं 16 वर्सेस स्क्वाड में खेल रहा हूँ, तो दुश्मन के अंदर तो घुसना होगी मुझको। ये वाला मेरा जहन के अंदर ख्याल थी। मैं यहाँ पर इस घर में घुसने के बाद जो है ना, वो दुश्मन आपस के अंदर लड़ रहा थी। तो बहुत सेक्सी दुश्मन थी, क्योंकि अरेबिक स्क्वाड था, हर किसी के पास हम ग्रेट में ग्रेट वाला बंदूकें थी। यहाँ पर मैं अंदर मुझको ये केम मिलता है। ये केम तो मेरा सबसे फेवरेट वाला बंदूक है। मैं इस वाला घर के अंदर घुस जाता हूँ। ये वाला जो घर है ना, ये वाला, इसमें घुसने के बाद मेरा मुझको सामने वाला घर से हेरिंग का आवाज़ आता है, कदमों का आवाज़। तो इधर से मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ कि शायद ये मुझ पर हमला करे, लेकिन ये हमला नहीं करते। यहाँ पर मैं अभी दिल में सोचता हूँ क्यों ना यार इस घर में एक छोटा सा गारनेट फेंका जाए, क्योंकि गारनेट से दुश्मन में कलबल ही मच जाता है। मैं इधर ये गारनेट फेंकता हूँ ताकि क्या पता मेरा तुक्का लग जाए, लेकिन मेरा तुक्का नहीं लगी। तो ये दुश्मन इधर उधर भागते हुए जा रहा थी, तो मैंने समझा कि यार ये अभी मुझ पर हमला करेगी, लेकिन वो भी मेरी तरह डरपोक थी। ना मैं हमला कर रहा थी, ना वो हमला कर रहा थी। तो यहाँ पर मैं इनको सामने वाला खिड़की में देखने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो एक बंदे का कूदने का आवाज़ आता है, इसका इधर से शिकार हो जाता है। फिर मैं इधर रिलोड करता हूँ कवर में जाकर। फिर मैंने कहा इसका दूसरा बंदा भी जाएगी इसके पास, और ये दूसरा वाला बंदा भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों अरबी को खाली वाली करने के बाद जो है मैं अपना नस्फर मसवार बराबर रखता हूँ। उसके बाद मैं जो है जा रहा हूँ यहाँ पर स्कूल पर हमला करने का मेरा इरादा थी, लेकिन सामने से मुझ पर अचानक से हमला हो गई, क्योंकि हमला बहुत ज़ालिम हो गई। मैंने बड़ा मुश्किल के साथ इधर से जान बचाई। मेरा गाड़ी का धुएं शुए निकल गई थी, जिस तरह नहीं पाकिस्तान का धुएं निकल रहा है। तो मैं यहाँ पर रेंज पर आकर खड़ा हो जाता हूँ कि इधर थोड़ा सा अपना ताकत मकद बराबर करता है, लेकिन मुझको क्या पता थी कि ये खच्चर मेरा पीछे ही आ रही है। इतनी ये बदमाश बन गई है। मैं इधर ऊपर अपना गाड़ी खड़ा करता हूँ, अपना नस्वार बराबर करने का ट्राई करता हूँ। तो ये फिर ऊपर से दुश्मन जो है ना, मेरे ऊपर इतना तेज़ी से आ रहा थी जिस तरह मैंने उनका उधार देना है। तो मैं ऊपर जब थोड़ा सा चलता हूँ, तो मैं इधर स्कोप ऑन करता हूँ, तो नीचे ये दोनों वाला दुश्मन बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा होता है हमारा पीछे, ये इस जगह के ऊपर। एक ने मुझ पर हमला किया, मैंने भी हमला किया, दोनों का निशाना बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से दोनों बच गई। यहाँ पर मैं दूसरा हमला करता हूँ, ये भी मेरा नाकाम हो जाता है। पता नहीं मेरा स्नाइपर क्यों ख़राब हो गई। ये मैंने इसका टांग में गोली मारी, इधर भी बच गई। तो यार मैं तो कहता हूँ जब फाइटिंग का सीन हो, मैं थोड़ा सा खामोश नहीं हो जाया करो। ए नाराज़ तो नहीं होगी इस वाला बात के ऊपर, ठीक है? मैं थोड़ा सा खामोश होता हूँ, जब इनको ठंडा करूँगा मैं फिर बोलूँगा, ठीक है?
ये बड़ा सेक्सी शॉट लगाते इसको। अच्छा इस जगह के ऊपर मैंने फिर दिल में सोचा क्या क्यों ना ऑटोमेटिक बंदूक से इसको मारा जाए। ऑटोमेटिक से ये हाँ हलकारती ये ख़त्म हो गई। इसका दूसरा बंदा नीचे दरख्त के साथ छुप जाता है और कहता है कि मैं अभी उसको बचाने जाऊँ या क्या करूँ। लेकिन मैंने कहा इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मस्कार है या इटकार है, ये ख़त्म हो गई यहाँ के ऊपर। फिर इसका दूसरा वाला दुश्मन जो है इसको ये इधर इसने समोंग भी मारा हुआ होती है, तो मैं फिर यहाँ पर एक मौलवी उठाता हूँ और ये दरख्त के ऊपर मारता हूँ, क्योंकि मेरा जहन में थी दुश्मन इधर ही छुपा होगी क्योंकि और तो इतना बड़े वाला कवर नहीं थी। तो ये नज़र आ गई, ये इधर पे ख़त्म हो गई। इधर ख़त्म होने के बाद मैं चलता हूँ, ये धुएं के अंदर मुझको नज़र नहीं आ रहा थी। मैं इसके इधर उधर ढूंढता हूँ घुसता हूँ, लेकिन फिर मैं सेल्टर में घुसता हूँ, ये नीचे मिल गई मुझको। अभी इसका खैर नहीं थी, ये दुश्मन यहाँ से खाली वाली हो गई। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ ऊपर जो किल के ऊपर, क्योंकि मेरा गाड़ी बिल्कुल डैमेज थी, मैं कहता हूँ उधर से गाड़ी उठाऊँ। तो जिस तरह मेरे जो पुल के ऊपर जाता हूँ तो उधर से ये गाड़ी नज़र आ जाता है मुझको, मैं भी उस पर एक हमला करता हूँ, हमला नाकाम हो जाता है मुकम्मल तौर पर। तो मेरे दिल के अरमान 800 के अंदर बह गई। मैं ऊपर चलता हूँ तो ये खच्चर दुश्मनों ने भी मुझको टारगेट में कर लिया है। तो मैं कहता हूँ चलो यार इनके साथ भी मुकाबला करते हैं। नीचे से पैरिंग आ रहा होता है, तो मुझको अभी पक्का यकीन हो गई ये यही वाला गाड़ी है, अभी मुझको छोड़ेगा नहीं ये लोग। ये एक दुश्मन नीचे घुस रहा होता है, तो मैं भी टेंशन में आता हूँ, ऊपर थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा होता हूँ। ये दुश्मन दरख्त के साथ जो है ना, अभी ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये देखो ये कदर दरख्त के साथ आ जाता है और दिल में समझता है, जिस तरह मुझको पता नहीं चलती। ये देखो अभी ये मुँह निकालेगी, मैं इसका काम करूँगा तमाम, क्योंकि ये है प्यारा पाकिस्तान। किधर है मुँह तो दिखाओ। ये चीज ये हो गई यहाँ पर ख़त्म। फिर मैं कहता हूँ अभी थोड़ा इनके ऊपर रश मारते हैं, तो मैं नीचे की तरफ यहाँ पर चला जाता हूँ, घरों में घुस जाता हूँ। घरों में घुसने के बाद जो है ना ये बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, मेरे ऊपर हमला नहीं करती। मैं भी कहता हूँ कोई बात नहीं, तुम भी इधर ही टिके। सामने वाला दुश्मन आपस के अंदर लड़ रहा है और ये वाला दुश्मन दोनों का दोनों मुझसे गायब हो गई, क्योंकि मुझको नहीं समझ आ रहा थी ये किधर छुपा हुआ है। तो मैं भी कहता हूँ कोई बात नहीं, ठंडा ठंडा कूल दिस इज ब्यूटीफुल फूल। तो फिर ये सामने से भी फायरिंग आ रहा होता है, इन बंदों का टेंशन बहुत ज़्यादा होता है मेरे पास। ये मुझको नज़र नहीं आता है, पता नहीं घर से उधर होता है या इधर होता है, फिलहाल मुझको नहीं पता चलता थी। फिर मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ यहाँ के ऊपर, फिर मुझको यहाँ पर एक बंदा नज़र आ जाता है। ये खोपड़ी देख रहा है इसका, ये वाला खोपड़ी, ये हो जाता है नाक। नाक करने के बाद मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझको नीचे वाला दो दुश्मनों से टेंशन हो रहा है। तो मैं अपना पट्टी मट्टी करता हूँ, लेकिन पट्टी तो मेरा मुकम्मल होता है एडवांस के अंदर। तो इस जगह के ऊपर से ये गाड़ी आ जाता है, मेरा दिल बिल्कुल गिर गई। मैंने कहा अब कत्ल खान तुम तो अब गई, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ठंडा ठंडा कूल मैं सामने वाला दुश्मन को ढूंढने का ट्राई में होता हूँ कि शायद मैं इसका कत्ल तो निकाल लो कम से कम। तो लेकिन नहीं नज़र आती है मुझे इसके ऊपर। अच्छा यहाँ पर ये वाला दुश्मन जो है ना बिल्कुल गायब हो जाता है और ठंडा ठंडा माहौल होता है। यहाँ से मुझको इसका फ्रेंड नज़र आ गई जो उसको जादू देने जा रहा होता है। इसको ये तो शॉट लग गई, लेकिन ये भी भाग गई इधर से। तो इस दौरान ये जो ऊपर वाला दुश्मन होता है ना, ये मौके का फ़ायदा उठाता है और ये जो नीचे वाला दुश्मन भाग रहा होता है ना, ये इसको कत्ल कर देता है। तो ये नीचे वाला कत्ल उसको मिल गई और जो सामने नाक बंदा किया थी वो कत्ल मुझको मिल गई। ये हमने और उसने समझ कर वटा सटा किया है, ठीक है, वारी वटा नहीं किया है, वटा सटा किता बीता है। तो तुम लोग गलत मलत नहीं समझना है। तो ये ऊपर वाला दुश्मन के पास मेरे ख्याल से बैरल थी, तो मैं टेंशन में आ गई। मैंने कहा सामने वाला हमला तो बिल्कुल फजूल है, उसके पास गाड़ी भी है, क्या पता वो कवर में छुपा हुआ हो। मैं लंबे वाला फिरकी उठाकर उसकी तरफ चलता हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा सा यार ये साथ में सरकार नहीं गिरा थी, कसम से मुझको तभी नज़र आया है जब मैं ये गेम प्ले बना रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये दुश्मन जो है ना, मैं दुश्मन के करीब, दुश्मन मेरा करीब। यहाँ पर उसका फतम आवाज़ आ गई और यहाँ से इस दुश्मन को भी जो है ना, ये सीखो भाई भी खली वली के बाद मैं इसका माले गनीमत उठाता हूँ। और जो नीचे दुश्मनों का गाड़ी है ना, ये उठाकर जो है ना फिर मुझको नज़र आता है इधर सरकार प्राइवेट वाला, इस पर हमला करता हूँ। तो यार इधर दिल का धड़कन संभाल के रखना, इधर सरकार पर मैं जाता हूँ, जिस तरह सरकार के ऊपर जाता हूँ ये ऊपर से ये खच्चर दुश्मन आ गई है।
तो मैं इधर सरकार तो मेरा ख्याल से लूट लेता हूँ, लेकिन ये एडवांस में लूटा हुआ नहीं होता है। अच्छा, इधर सामने वाला घर में मुझे इनके कदमों का आवाज़ आ रहा होता है, तो ये एक दुश्मन हीरो बनने के चक्कर में वो सामने आ गई। मैंने भी हवा में गोलियां चलाई और इसका नाम काम खली वोली कर दिया। तो मैं जाता हूँ, कितना लालची हो यार, मुझको थोड़ा उठ खड़ा होना चाहिए। यहाँ पर उसके दूसरे वाले आदमी ने मुझको ग्रोजा से उड़ा दिया है कि गेम का मुकाबला तो ग्रोजा से नहीं होता है। तो यार अगर गेम प्ले अच्छा लगा हो यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो सोलो वर्सेस स्क्वाड में मैं चिकन निकालूंगा। तो यार तुम लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मैं ये नहीं है ज़रूरी कि मिसाल के तौर पर कि मैं हर मैच, ये मैच मैंने निकाला अब जो पहला वीडियो था उसके बाद कम से कम 10-15 मैच खेला है, उसके बाद मेरा ये इतना थोड़ा बहुत किल निकलता है, फिर 10-15 मैच, कभी कभी 20 मैच भी होता है। और तुम लोग ये अंदाज़ा लगाओ कि इसी 16 वर्सेस स्क्वाड के चक्कर में मैं पला डायमंड 1 से जो है ना अभी प्लाटिनियम 1 के ऊपर आ गया हूँ। तो यार सब लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, हर चीज़ करना है जो तुमसे हो सके। आमीन, थैंक यू।